हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस वगैरह होती है हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज उसी कड़ी के अंदर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इज यूजेस। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं और जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी डालते हैं एंड अपडेट्स वगैरह आती है वो भी डालते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ में उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो या अपडेट वगैरह आए तो वो सबसे पहले आपके पास में पहुँचें। तो चलो फ्रेंड्स, आज कंटिन्यू करते हैं, तो बात कर लेते हैं फर्स्ट अपॉन जो अल्टीमीटर होता है। अब बात कर लेते हैं अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर को जो यूज़ होता है या फिर वो मेज़र किया जाता है, क्या मेज़र करता है, वो हाइट को मेज़र करता है। फ्रेंड्स, तो अल्टी के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो अल्टी आ रहा है ना, तो उसके अंदर एल्टीट्यूड भी दिख रहा होगा ना। अल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड पता है क्या होता है, ऊँचाई होती है। तो श्योर सी बात है कि एल्टीट्यूड नापना है या ऊँचाई नापनी है तो वो हाइट से आ जाएगा, है ना। तो अब आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरा, एन्यूप्रोइड बेरोमीटर, और जो सिंपल सी चीज़ इसको याद करने की, बेरोमीटर, ज़्यादातर बेरोमीटर के रूप में आता है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी ये आसान रहता है। तो अपन बेरोमीटर ऐसे ही लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो बेरोमीटर होगा ना, तो वो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमोस्फेरिक दाब। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर बेरो आ रहा है ना, बी बैस बैस बकरी वाला आ रहा है ना, और इधर भी बा आ रहा है ना, दाब और बेरो दाब, तो इसी से कोरिलेट करके आपको याद कर लेना है। तो बेरोमीटर किसका होता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है या जो दाब होता है ना, उसको जो मेज़रमेंट करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर होता है, वो होता है विंड स्पीड की या वेलोसिटी होती है विंड की, वो मेज़रमेंट करने का काम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेज़र करता है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, उस चीज़ को मेज़र करता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, आपने PGR पढ़ा होगा, यानी कि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो आपने ऑक्सीन का भी नाम सुना होगा ना, ऑक्सीन। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ऑक्सीन क्या है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो वो क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अब इसके अंदर देखो, ऑक्सीनोमीटर आ रहा है ना, ऑक्सीनोमीटर, तो ऑक्सीनोमीटर आ रहा है, तो ऑक्सीन से आप कोरिलेट करके आप इसको पता लगा सकते हो कि ये क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये किसको शो करेगा, प्लांट की ग्रोथ को। ऑक्सीनोमीटर किसको मेज़र करेगा, प्लांट ग्रोथ को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बेरोग्राफ। फ्रेंड्स, अपन ने ऊपर बेरोमीटर पढ़ लिया, अब ये आ रहा है बेरोग्राफ। तो ये बहुत सी चीज़ों के अंदर पूछ लिया जाता है, जिसके पीछे ग्राफ लगा देते हैं, है ना। तो हाइग्रोग्राफ, एनी वन, जितने के पीछे ग्राफ लगता है, तो आज उसका मैं कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर कर दूंगा। तो बात करते हैं बेरोग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब फ्रेंड्स, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो अपना कौन कर रहा था, बेरोमीटर, लेकिन इसके पीछे ग्राफ लगने का मतलब पता है क्या होता है, ये कंटिन्यूटी वो शो करता है, मतलब कि कोई भी चीज़ है तो वो कंटिन्यूस अपन उसकी रीडिंग लेंगे या उसको मेज़र करेंगे तो उसके पीछे ग्राफ लग जाएगा। तो बेरोमीटर किसको मेज़र कर रहा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर को, और इसके पीछे बेरोग्राफ लगा हुआ है, तो ग्राफ क्या चीज़ शो करेगा, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूस एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जिसके पीछे भी ग्राफ लगा हुआ है तो वो आप इसे कर देना फ्रेंड्स। और क्रिस्कोग्राफ, तो ये करता है ग्रोथ प्लांट को। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, अभी अपन ने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऊपर भी पढ़ा था ऑक्सीनोमीटर, है ना, और अब इसके अंदर आ रहा है क्रिस्कोग्राफ, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ को अपना मेजरमेंट कर देगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कैम्बल स्टॉक रिकॉर्डर है वो क्या करता है। फ्रेंड्स, जो कैम्बल स्टॉक रिकॉर्डर है वो सनशाइन ड्यूरिंग को मेज़र करता है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को याद रहते हैं। अब ड्रोसोमीटर, अब ड्रोसो से ड्यू दिख रहा है ना,
डी डी आर है ना, तो ड्रोसो से ड्रोसोमीटर से ड्यू करता है, तो जो ये फॉग वगैरह होती है ना ड्यू, तो उनको मेजरमेंट करता है। अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर या साइकोक्रोमीटर, है ना, साइकोमीटर। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हाइग्रोमीटर होता है, तो वो हाइग्रो से ह्यूमिडिटी, है ना, हाइग्रोमीटर हमेशा किसको मेजरमेंट करेगा, ह्यूमिडिटी को। तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है, उसके अंदर अब इसके अंदर स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेज़र करेगा हाइग्रोमीटर। वैसे अगर आपके ऑप्शन के अंदर अगर हाइग्रोमीटर पूछा जा रहा है और उसके अंदर ऑप्शन में ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, नॉट ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं दिया हुआ, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो हाइग्रोमीटर जो मेज़र करेगा वो किसको करेगा, ह्यूमिडिटी को। अब बात करते हैं इवापोरेटोमीटर। जो इवापोरेटोमीटर है वो किस चीज़ को मेज़रमेंट करता है, तो इवापो ट्रांसपायरेशन को मेज़र करेगा, श्योर सी बात है, इवापो आ रहा है ना, तो वॉच फॉर सर्जन को ये आपका मेज़रमेंट हो जाएगा। ये ईरोमीटर, तो ईरोमीटर करता है आपका वाटर स्ट्रेस एंड सोइल मॉइस्चर टेंशन को। अब फ्रेंड्स इसको ईरोमीटर अपन बात करते हैं, इरीगेशन को भी मेज़रमेंट करने का काम करता है। अब ये वाटर स्ट्रेस, श्योर सी बात है कि अगर इरीगेशन होगी उसके बाद में वाटर स्ट्रेस आएगा, तो वाटर स्ट्रेस को और सोइल मॉइस्चर को भी, और वैसे सोइल मॉइस्चर को अदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी किया जाता है, वो आपको नीचे बता दूंगा मैं, है ना। अब बात करते हैं इनफिल्ट्रोमीटर। अब इसके नाम से मेज़र हो रहा है कि इनफिल्ट्रोमीटर, तो वो क्या करेगा, इनफिल्ट्रेशन को मेज़र करेगा। तो इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जो सोइल के अंदर फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होता है, जो इनफिल्ट्रेशन होता है ना, तो फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर इन सोइल, तो जो आपका इनफिल्ट्रोमीटर का काम क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट को मेज़रमेंट करने का कार्य कर देगा। अब बात करते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर आपका वैसे ही समझ में आ रहा होगा ना, लैक्टोस किसके अंदर सर्वाधिक होता है, लैक्टोस पाया जाता है अपने मिल्क के अंदर, तो श्योर सी बात है कि लैक्टोमीटर किसको शो करेगा, मिल्क की फैट को। अब लाइसीमीटर, तो वो जो लाइसीमीटर होता है वो आपका इवापो ट्रांसपायरेशन को ही मेज़रमेंट करता है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं पायरिलोमीटर, तो वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, जो डायरेक्ट सन से आने वाली रेडिएशन वगैरह होती है उनको मेज़रमेंट करने का कार्य करता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट PAR, तो ये आपका क्वांटम सेंसर का काम करता है, जिसको मेज़रमेंट करता है। और अब बात करते हैं साइक्रोमीटर, तो वो आपके लीफ वाटर पोटेंशियल को या रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों को मेज़रमेंट करता। अब पोरोमीटर, तो पोरोमीटर आपका आ जाएगा ट्रांसपायरेशन रेट को। और पायरेनोमीटर, तो पायरेनोमीटर आपका जो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगी उनको मेज़रमेंट करने का काम करेगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं पिज़ोमीटर, तो पिज़ोमीटर होता है वो आपकी डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, कि जो सोयल के अंदर जितने डेप्थ पर वाटर टेबल होता है उसको मेज़रमेंट करने का कार्य करता है पिज़ोमीटर। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। रेनगेज, तो फ्रेंड्स इसके अंदर वैसे नाम से पता चल रहा है कि रेन, रेन यानी बारिश, तो श्योर सी बात है रेनगेज होगा तो रेन की तो करेगा ना, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल बताएगा। टेंशियोमीटर, अब ये टेंशियोमीटर फ्रेंड्स आपका बात करेंगे, ये टेंशियो से वैसे तो पता चल जाता है, ऑप्शन में टेंशन भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, तो टेंशियो से टेंशन, तो सोइल टेंशन भी बताता है और सोइल मॉइस्चर टेंशन यानी कि सोइल के अंदर नमी को भी मेज़रमेंट टेंशन टेंशियोमीटर द्वारा किया जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि नीचे बता दूंगा जो अभी ये इसके अंदर आ गया। और जो विंड वेन, विंड का मतलब हवा होती है और वेन का मतलब दिशा होती है, तो विंड वेन जो मेज़रमेंट करेगा, तो जो विंड की दिशा को डायरेक्शन को मेज़रमेंट करने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं टेंशियोमीटर की, तो ये तो ऊपर अपने हो ही गया, जो सोइल टेंशन बताता है जो 0.8 bar तक, है ना, इसका बताने का होता है। विंड वेन आपका विंड डायरेक्शन हो ही गया, ऊपर आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स कि इनमें से हर एग्ज़ाम के अंदर एक आधे इंस्ट्रूमेंट ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।